रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की रायपुर से बड़ी खबर, कई आईएएस ऑफिसर का तबादला हुआ है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है, प्रशासनिक फेरबदल। कोरबा कलेक्टर संजय कुमार झा बिलासपुर के कलेक्टर बने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सौरभ सिंह कोरबा के कलेक्टर बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर से प्रशासनिक सर्जरी हुई है, कई आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर से कई आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी आप देख सकते हैं। कोरबा कलेक्टर संजय कुमार झा बिलासपुर के कलेक्टर नियुक्त हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज एडिटर मोहन तिवारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं मोहन जी, क्या जानकारी है आपके पास इस ट्रांसफर को लेके? देखिए, जैसा कि हम पहले भी इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद चुनाव को लेकर जो सरकार है वो अपनी प्रशासनिक सर्जरी कर सकती है, तो वही कुछ देखने को मिला है। और एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। इसका मकसद यही है कि चुनाव में जाने से पहले बड़े अफसरों को जो लंबे समय से जमे हुए थे उनको तबादला कर दूसरा काम दिया जाए, और इसे एक तरीके से मैसेज देने की भी कोशिश है कि काम में थोड़ी ज्यादा चुस्ती लाई जाए। और इसी के मद्देनजर ये फेरबदल किया गया, खासतौर पर बिलासपुर जो संभाग है जिसमें दो बड़े जिले बिलासपुर जिला और कोरबा जिला, वहाँ के कलेक्टर बदले गए हैं। वहाँ कई तरीके की शिकायतें थी, डीएमए फंड के खर्चे की बातें की बात भी आई थी, तो उन सबको ध्यान में रखकर ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसमें डेढ़ दर्जन अफसर प्रभावित हुए हैं। और खासतौर पर मुख्य विभागों के जो अफसर हैं उन्हें बदला गया है, कुछ कमिश्नर को बदला गया है। तो इस तरीके से एक पूरा ओवरऑल एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की जो बात उठ रही थी वो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है। जी तो इस वक्त की बड़ी खबर थी, सौरभ सिंह बने हैं कोरबा के कलेक्टर। और चूंकि चुनावी मौसम है, फेरबदल चलते रहेंगे, इसी कड़ी में इस वक्त एक बड़ा फेरबदल हुआ है, आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर।